कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की एक और बेटी सिरिशा बांदला अंतरिक्ष की सैर पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी सिरिशा 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रेंसन के साथ उन्हीं की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेंटिक्स के स्पेस क्राफ्ट वर्जिन ऑर्बिट से स्पेस की यात्रा पर जाने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिरिशा बांदला वर्जिन गैलेंटिक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए गाइस, हमारी भारत की बेटी सिरिशा बांदला के लिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट स्पेस ट्रेवल सिरिशा। आपने अपनी जिंदगी में चीजों की या पैसों की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे अजब गजब एमपी में एक अलग ही मामला सामने आया। वहां के गांव में पूरी की पूरी बनी बनाई सड़क की चोरी हो गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि एमपी के गांव में ग्राम पंचायत ने वहां के एक वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनवाई थी, लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर सड़क है ही नहीं। जब जवाब मांगा गया तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने जवाब के बदले एक शिकायत ही दर्ज करवा दी और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि इस वार्ड में शाम तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते वो सड़क चोरी हो गई। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। पर आपका इस अजब गजब शिकायत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इंडिया में ऐसी बहुत सी फेमस कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे घर पे हैं, हम उन्हें यूज भी करते हैं, लेकिन उनका मतलब हमें नहीं पता होता। जैसे कि MDH मसाले बहुत से किचन में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको MDH का मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। MDH का मतलब है महाशया दी हट्टी। ये एक पंजाबी लाइन है जिसका मतलब है महाराजाओं की दुकान। दूसरा है अमूल, जिसका दूध बहुत से घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तीसरा है MRF, जिसका टायर बहुत ही गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है, तो क्यों है? उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड, अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता ये है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है।